नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी लाइव। मैं हूं आपके साथ वंशिका सिंह। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की ओर से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें आमंत्रित करने का निर्णय गलत था। समारोह में केवल भगवान राम में आस्था रखने वाली को बुलाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है, वे बाबर से प्यार करते हैं ना कि भगवान राम से, इसलिए उन्हें आमंत्रित करने का निर्णय गलत था। केवल भगवान राम में आस्था रखने वालों को ही ऐसा करना चाहिए। गांधी परिवार भगवान राम से पहले बाबर को प्रणाम करेगा। भगवान राम और बाबर के बीच कांग्रेस हमेशा बाद वाले को चुनेगी और इसलिए 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से उनका इनकार करना अच्छा है। उनके आने से कार्यक्रम खराब हो जाता। इससे पहले भी शर्मा ने कहा था कि कांग्रेस ने अपने पिछले पापों को कम करने का अवसर खो दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अफगानिस्तान के काबुल स्थित बाबर के मकबरे पर राहुल गांधी की एक तस्वीर भी शेयर की थी। ट्वीट को देखें। कांग्रेस ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताते हुए घोषणा की थी कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। समारोह का निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद से ही पार्टी बीजेपी के निशाने पर है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के निमंत्रण अस्वीकार करने पर कहा था कि हम उनसे इससे कुछ अलग ही क्या उम्मीद कर सकते हैं, उनकी राम में आस्था नहीं है, ये उन्होंने प्रमाणित किया है। अब देखना होगा कि निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद भी क्या कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होगी या नहीं। देखते रहिए एबीपी लाइव।